these are the information about me. My name is Habib Khan. I am Provincial Management Service Officer. Mere matalik digar information bhi di gayi hai. My email address and WhatsApp number are also given. To aage badhte hain. Sabse pehle hum ye samajhte hain ki governance framework se kya murad hai. To dear viewers, governance framework se murad kisi bhi organization ki idarajati structure yani institutional framework. Idarajati structure mein mukhtalif office bearer aur inki zimmedariyan, इनके दरमियान चेन ऑफ कमांड, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मेकनिज़म और वो तमाम कवानीन, रूल्स और प्रोसेसेस है जिनके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस बियरर की कंडक्ट और डिसीजन मेकिंग के लिए रहनुमा उसूल फराहम करते हैं और फैसला साजी में स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट को इंश्योर करते हैं। इन फ्रेमवर्क के ज़रिए मुख्तलिफ ऑफिस बियरर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सकता है और ये ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का पैमाना होते हैं। गवर्नेंस फ्रेमवर्क के दो इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट है वो है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क में वो तमाम कवानीन और लॉज शामिल है जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करती है। फिर इन लॉज और बाई लॉज के तहत कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी बनते हैं विच सप्लीमेंट द लॉ। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने जो कंडक्ट है इसको रेगुलेट करने के लिए टाइम टू टाइम मुख्तलिफ एसओपीज भी इशू करते हैं। तो दे आल्सो मेक अप अ पार्ट ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क। गवर्नेंस फ्रेमवर्क का जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज ऑलवेज द आउटकम ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसके बारे में लीगल फ्रेमवर्क के बारे में दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर ऑर्गेनाइजेशन की कंपोजिशन या स्ट्रक्चर दी जाती है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर दी जाती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ अथॉरिटी किस तरह है और फिर हर अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी को किस तरह रिपोर्ट करता है, यानी इनके दरमियान चेन ऑफ कमांड क्या होता है, हर ऑफिस बियरर के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन मेकनिज़म को भी डिफाइन किया जाता है इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा, अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने और एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी लीगल फ्रेमवर्क को समझते हैं। ये याद रखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए बेसिक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है। इस एक्ट के तहत एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी कायम की गई है जिसके बारे में डिटेल अगले स्लाइड्स में दी गई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के जरिए अमेंड किया गया है, यानी इस लीगल फ्रेमवर्क को इम्प्रूव किया गया है। ये भी याद रखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एक सब कमेटी है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी वर्किंग पार्टी कहते हैं। तो इस पार्टी के या इस सब कमेटी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए P3A वर्किंग पार्टी रूल्स एंड रेगुलेशन 2021 फ्रेम किए गए। ये तो लीगल फ्रेमवर्क हो गया। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट को रेगुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो सबसे अहम इंस्टीट्यूशन है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को मिनिस्टर प्लानिंग चेयर करता है और सेक्टरी फाइनेंस इसका वाइस चेयरमैन होता है। इसमें सेक्टरी प्लानिंग, सेक्टरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर से दो नॉमिनी और मुतल्लिका डिवीजन का सेक्टरी मेंबर्स होते हैं। इस इदारे में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जो न सिर्फ अथॉरिटी का मेंबर होता है बल्कि सेक्रेटरी भी होता है, यानी अथॉरिटी के जो सेक्रेटेरिएट फंक्शंस है उसके लिए जो ऑफिस इस्टेब्लिश है उसका हेड वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रेगुलेट इंस्टीट्यूशन है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी वर्किंग पार्टी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी वर्किंग पार्टी को डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग चेयर करता है। सेक्रेटरी प्लानिंग इसका वाइस चेयरमैन होता है और इसमें जो दीगर मेंबरान शामिल है उसमें सेक्रेटरी BOIT यानी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, मेंबर सोशल सेक्टर, मेंबर STNIT, मेंबर एनर्जी और मेंबर फूड सिक्योरिटी और प्राइवेट सेक्टर से दो नॉमिनीज होते हैं। इस वर्किंग पार्टी का ये काम है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
अथॉरिटी को पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में रिकमेंडेशन देती है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग भी यही पार्टी करती है और पी3 अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद इन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट भी ये पार्टी करती है और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन भी की जाती है। इसके अलावा ये पार्टी मुख्तलिफ लाज, बाई लाज और रूल्स पर अपना इनपुट भी देती है और टाइम टू टाइम इसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट सजेस्ट करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी वर्किंग पार्टी के फंक्शन को समझते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। ये प्रोजेक्ट के तमाम मराहिल यानी आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, सेटिंग फ़ी और स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए रहनुमा उसूल वज़ा करता है। इसके अलावा ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के इम्प्रूवमेंट के लिए भी सफारशात मुरतब करता है। पीपीपी प्रोजेक्ट को नेशनल और सेक्टोरल स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करता है। ये प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ पैरामीटर जैसा कि प्रोडक्टिविटी, वाइबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड रिस्क की बुनियाद पर असेस करता है और अप्रूव करता है। अब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी वर्किंग पार्टी के फंक्शन को समझते हैं। ये बेसिकली ये पार्टी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एक एग्जीक्यूटिंग ऑर्गन है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी को पीपीपी की बुनियाद पर तमाम प्रोजेक्ट के हर मरहला के लिए यानी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोक्योरमेंट और एवेल्यूएशन के दौरान अपनी सिफारिशात फराहम करती है। इसके अलावा ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की इम्प्रूवमेंट के लिए भी रिकमेंडेशन फराहम करती है। उम्मीद है आप पी3 अथॉरिटी और पी3 अथॉरिटी वर्किंग पार्टी के फंक्शन को समझ गए होंगे। थैंक यू।